Today we are going to do the numericals of the Bohr model of atom, right? So एक बारी जो इसके numericals हैं, ठीक है, जो formulas हैं, इनके वो recall कर लेते हैं पहले. अगर हमने energy find करनी है for the hydrogen like atom, ठीक है, यहाँ hydrogen atom के लिए ही, तो क्या value है? 2.18 × 10⁻¹⁸. 1/(n1)² / 1/(n2)² अगर यहाँ पर हम किसी और की बात कर रहे हैं, किसी और की क्या मतलब है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जैसे हमने बात की थी कि हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, तो दे आर आल्सो रिगार्डेड एज द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, तो अगर हम उनके केस में बात कर रहे हैं, सो वी विल मल्टीप्लाइंग हियर विद द जेड स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और हमने वेव नंबर का एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, दैट इज 1/09678 1/(n1)² - 1/(n2)², ठीक है, अगेन जेड के साथ आपने मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है. ओके, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल. In a hydrogen atom, an electron jumps from third orbit to first orbit. Find out the frequency of the spectral lines. ठीक है, आपने frequency निकालनी है spectral lines के लिए. तो सबसे पहले हम wavelength निकाल लेंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन लगाइए, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ भी है. ओके, हियर द वैल्यू ऑफ n1, फर्स्ट ऑर्बिट कहा है तो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू क्या है, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, दैट इज 3, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की बात की है तो दैट मीन्स जेड जो है वो 1 है. ओके, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज जब अप्लाई कर देंगे, वी विल बी गेटिंग यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है. सो दिस इज 1/09678, ठीक है, इधर लिख लेते हैं 1/λ. ओके, n1 इज 1 एंड n2 इज 3 और z की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1² + 3² हो जाएगा, क्लियर, ठीक है. अब इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए बेटा लैम्डा के लिए. ये 3 3 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, डैट विल बी गिविंग यू 8/9. ठीक है, सॉल्व कीजिए बेटा एंड गिव मी द आंसर. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग lambda is equal to 1.0257 × 10⁻¹⁷ meters, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 100 से डिवाइड भी करना है टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है. ओके, तो हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ है और वेवलेंथ की हमने वैल्यू निकाली है 1.257 × 10⁻¹⁷, ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकंड, तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली है. सॉल्व इट बेटा. So yes, Anjali, this is 2.92 × 10⁻¹⁵. Very good. 2.92 × 10⁻¹⁵ hertz. ठीक है, so this is the frequency. Right? So in the similar way, let's do the next question. एक और question कर लेते हैं. Do remember here the Rydberg constant value that we are using, it is in centimeter inverse. ठीक है, coming to the next question now, the wavelength of first line
ऑफ बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन. And limiting line in Balmer series. ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, आपको फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ गिवन है, दैट इज 656. यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ फॉर द सेकंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन. ठीक है, अब मुझे ये बताओ फॉर द फर्स्ट लाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वन एंड एन टू. लाइमन इफ यू रिमेम्बर बाल्मर. ठीक है, याद है आपको लाइमन के लिए एन वन वन आता है और एन टू की वैल्यू 2, 3, 4 समथिंग हो सकती है. फॉर द बाल्मर सीरीज योर वैल्यू फॉर द एन वन इट विल बी 2. ठीक है, एन टू की वैल्यू 3, 4, 5 समथिंग हो सकती है. अब फर्स्ट लाइन की बात की है उन्होंने, दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि फ्रॉम 3 से कहां तक ट्रांजिशन हो रही है, 2 तक हो रही है. ठीक है, दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन कब आएगी, जब एन फोर से एन टू पे ट्रांजिशन होगी, दिस विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द सेकेंड लाइन. ठीक है, तो हमें फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ गिवन है, तो पहले उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम. ठीक है, तो अगेन वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला 1/λ, क्योंकि हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो स्टार्टिंग से ही लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/ Now what is the value of n1? n1 is 2. ठीक है, तो 2² - 1/3². ओके, ये मैंने सिंपली यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ऐसा, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो हम वो पुट कर लेते हैं. हियर द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/4 - 1/9. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको. यहाँ पर नीचे आएगा 36, 4 9s 9 4. ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग 1/656 इज इक्वल टू आर एच इनटू 5/36. ठीक है, सो दिस इज 5 RH/36 इज इक्वल टू 1/656. ठीक है, ये इतनी चीज आपको गिवन है. अब सेकंड लाइन के लिए निकाल लेते हैं सेम वैल्यूज. ठीक है, अब सेकंड लाइन के लिए ये सारी चीजें निकालेंगे, तो आपने n1 को पुट करना है 2, और सेकंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू होगी 4. नाउ पुट इट एंड यहां तक निकालिए. लैम्डा यहां तक आपको गिवन नहीं है, इस केस में लैम्डा इज नॉट गिवन टू यू फॉर द सेकंड लाइन. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के लिए हमने यहां तक निकाल लिया है, अब सेकंड लाइन के लिए निकालते हैं. दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर एच. ठीक है, 1/n1 तो सेम ही रहेगा, दैट इज 2². ठीक है, एंड टू की वैल्यू 4 आ जाएगी, डेट विल बी 4². ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, वी विल बी गेटिंग 3 RH/16. ठीक है, हां जी बेटा, क्लियर हो गया. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आया है, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन. हमने वेवलेंथ निकालनी है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड. तो ये फर्स्ट है, इसको हम सेकंड से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 1/656 यू विल बी डिवाइडिंग इट विद 1/λ, व्हिच इज गोइंग टू गिव यू 5 RH/16. ठीक है, फिर हमने इसको डिवाइड करना है बाय 3 RH/16. ठीक है, ऐसे ही होगा, हमने डिवाइड किया है फर्स्ट को सेकंड के साथ. हाँ जी, क्लियर. तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यू विल बी गेटिंग λ/656 इज इक्वल टू आर एच के साथ, आर एच कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 5/3 हियर. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 36 है ना, so you will be getting 5/36 × 16/3. okay, तो कुछ ऐसा आएगा आपका, and from here you will be calculating the lambda which is going to give you, इतनी आपकी lambda की value आएगी.
ओके सो दिस इज द वेवलेंथ फॉर द सेकेंड लाइन, ये हमने सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ निकाल दी है, ठीक है. अब नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस दैट फॉर द लिमिटिंग लाइन, ये हमने हमेशा करना है अगर आपको कहीं पर भी लिमिटिंग लाइन पूछा गया है. सो ऑलवेज पुट n2 as infinity for the limiting line. ठीक है, ऑलवेज पुट n2 as infinity for the limiting line. सो यस नमन, द वेवलेंथ फॉर द लिमिटिंग लाइन इज 364.4. ठीक है, तो सारी हमने सेम कैलकुलेशन करनी है 1 by lambda के लिए. ओके, तो आपने बस n1 को 1 पुट करना है, सॉरी n1 को 2 पुट करना है और n2 को इनफाइनाइट पुट करना है. ठीक है, तो वहां से आपने वेवलेंथ निकाल लेनी. ओके राइट, ठीक है जी. सो दिस इज द केस फॉर द लिमिटिंग लाइन. हां जी, कर लोगे ये? करवा दूं बेटा लिमिटिंग लाइन वाला, देख लो. चलो लैम्डा हमने निकालना है, आर एच की वैल्यू एज इट इज हम रखेंगे, ठीक है. वन की वैल्यू टू स्क्वायर है माइनस इनफिनिटी स्क्वायर, ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच बाय 4. ये थर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है. अब हमने एक फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, इफ यू रिमेम्बर 1/656 इज इक्वल टू 5 RH/36, ठीक है. ये लिखी थी ना हमने, तो हमने डिवाइड करना है फर्स्ट को थर्ड के साथ. ओके, तो जब आप फर्स्ट को थर्ड के साथ डिवाइड करोगे राइट, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 364.4 नैनोमीटर फॉर द लिमिटिंग लाइन. ठीक है, बस आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आंसर निकालना. रमन जी दैट इज 364.4 बेटा, ठीक है. Do remember whenever we are talking about some other element except hydrogen, तो वहां पर हमने उसका atomic number भी consider करना है, ठीक है. वहां पर हमने उसका z भी consider करना है, ये याद रखना है. ओके, हाइड्रोजन के लिए तो हम 1 consider कर रहे हैं, पर बाकियों के लिए भी हमने consider करना है z की वैल्यू, ठीक है. Now coming to the next numerical part of de Broglie equation. So de Broglie equation क्या है? This is lambda is equal to h upon mv. ठीक है? तो अब इसके numericals करेंगे हम. You have to find the wavelength of 100 gram of particle that is moving with velocity of 100 meter per second. निकालिए बेटा आंसर. Everything is given to you. H की वैल्यू 6.626 into 10 is for minus 34. That is the constant value जो हमने लर्न करनी है हमेशा, ठीक है. और आपको क्या चाहिए? M mass given है 0.1 kg. Standards में लेके चलेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा. Velocity is given to you 100 meter per second. ठीक है, तो तीनों values आपको given है. Answer में put कीजिए, formula में put कीजिए और answer बताइए. Put all these values and give me the answer. So yes, Sahaj, that is right. Sahaj Anjali, 6.626. So wavelength is 6.626 into 10 is to a minus 35 meter. ठीक है. Coming to the next numerical, the kinetic energy of the electron is given to you that is 4.55 into 10 is to a minus 25 joule. ठीक है. आपने velocity निकालनी है. M into V is momentum निकालनी है और lambda निकालनी है electron. Now if you remember the formula of kinetic energy that is half mv square जो हम बोट इलेक्ट्रिक equation से निकालते हैं, ठीक है. तो आपको half mv square किसके equal given है? 4.55 into 10 is to minus 25, ठीक है. And we also know the mass of electron. Mass of electron भी हमें पता है. करवाया हुआ है मैंने आपको. हाँ जी, 31 kg बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था, ठीक है.
So 9.1 × 10⁻³ kg is the mass of the electron. And कई बार आपको ये numericals में given होगा, अगर नहीं given है तो you are supposed to write the value, ठीक है? तो आपने खुद वो value learn करके लिखनी है. तो यहाँ से बेटा velocity निकालिए. So here you will be getting v square as 10⁶ और v की वैल्यू आएगी 1000, यानी कि 10⁴, ठीक है, मीटर पर सेकंड. रेस्ट इज योर होमवर्क. m into v मास गिवन है, तो m into v कर लेना है, और लैम्डा अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv के साथ आपने सॉल्व कर. पहले mv निकाल लोगे, ठीक है, फिर mv को आपने डिवाइड कर देना है विद द प्लैंक्स कांस्टेंट. रेस्ट टू पार्ट्स आर योर होमवर्क. ओके, नमन हैज गिवन द आंसर एज 7.27 × 10⁻¹ मीटर. रमन, दैट्स वेरी राइट, ठीक है. तो जो लैम्डा की वैल्यू है, दैट इज 7.27 × 10⁻¹ मीटर. चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो द न्यूमेरिकल इज दैट द माइक्रोस्कोपिक A microscope using suitable photon is employed to locate an electron within the distance of 0.1 angstrom. ठीक है, आपको डिस्टेंस गिवन है, दैट मींस यू आर गिवन विद द एक्स. ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपको गिवन है. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी? यू हैव टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर हम अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला रिकॉल करें, तो दैट इज डेल्टा एक्स इंटू m delta v, it is equal to h upon 4 pi. पढ़ा ना हमने? We have studied this relation. ठीक है, तो हम ये relation use करेंगे. बाकी सारी चीजें तो constant है. तो यहाँ से अगर हमने delta v निकालना है, that is h upon 4 pi m into delta x. ठीक है, अब conversion करेंगे. सबसे पहले 0.1 angstrom की, 0.1 angstrom. If you remember, तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, that is 10⁻¹ मीटर. ये लर्न होनी चाहिए आपको, न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है. ठीक है, m is the mass of electron, that is given 9.1 × 10⁻³. 4 की भी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो तो pi is also constant, h is also constant. ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो. 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻³ × 0.1 × 10⁻¹. ठीक है, तो आंसर आपने घर पे निकाल लेना है इसका. ओके, वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बारी देख लीजिए. ठीक है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम. कह रहे हैं कि गोल्फ बॉल है, उसका जो मास है वो 40 ग्राम है, एंड उसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड. अब इस टाइप के क्वेश्चंस पे पूछ लेते हैं अनसर्टेनिटी में. इफ द स्पीड इट कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%. कहते हैं कि जो स्पीड है वो हम 2% की एक्यूरेसी से अगर मेजर कर सकते हैं, तो हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है इन द पोजिशन. ओके, so if the speed it can be measured with an accuracy of 2%, अब वो कह रहे हैं. ठीक है, यानी कि 45 का अगर हम 45 में से 2% की एक्यूरेसी से अगर उसको मेजर कर सकते हैं, तो बाकी अनसर्टेनिटी कितनी बच गई? अगर हम 45 में से 2% जो है वो सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं, तो बाकी अनसर्टेनिटी कितनी बच जाएगी? 45 × 2/100, दैट इज 0.9 मीटर पर. ठीक है, ये चीज यहाँ पर देखने वाली है. यस अंजलि, डेट इज 0.9 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और हमने मास को भी कन्वर्ट कर लेना है. इट इज इन ग्राम्स, सो कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम्स, राइट. बाकी तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, रेस्ट ऑल वैल्यूज दे आर गिवन टू यू. वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 pi m into. ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है. सॉल्व फॉर द आंसर. हाँ जी बेटा, सॉल्व करो, आंसर निकालो.
So Naman is giving the answer as 1.46 into 10 is to the minus 33. Very good, Naman. So that is 1.46 into 10 is to the minus 33. ठीक है? Distance है तो meter आएगा. Units लगाने नहीं भूलने हमने. ठीक है? Since we are talking about the distance, so here we will be writing meter. Okay? चलिए क्लास न्यूमेरिकल कर लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. When an electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer, ठीक है, EM radiations की wavelength given है 300 nanometer, they are falling on the surface of sodium. Electrons, they are emitted with kinetic energy. There is ejection of electrons. Photoelectric effect में यही होता है, ठीक है? तो जो photo electrons eject हुए हैं, उनकी kinetic energy आपको given है. What is the minimum energy? अब उन्होंने पूछा है कि कितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकें सोडियम एटम में से, ठीक है? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो दो चीजें पूछी हैं आपसे. मिनिमम एनर्जी, what do you mean by minimum energy here? Now we are talking about the threshold energy. याद है आपको? हाँ जी, photoelectric equation याद है? H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy. करवाई थी, याद है? Work function plus kinetic energy. ठीक है? अब यहाँ से आपको ये पूछा है work function, that means the minimum energy पूछी है आपसे. ठीक है? तो ये किसके equal होगी? H nu minus kinetic energy. अब सबसे पहले हम निकालेंगे H nu, that is the energy of the photon. अब एनर्जी के लिए भी आपको लैम्डा गिवन है, ठीक है? You are given with the lambda, so E is equal to H C by lambda. हम सॉल्व करेंगे into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 over lambda की वैल्यू है 300 nanometer, ठीक है? So it will be minus 9 meter. Nanometer को कन्वर्ट कर लेना है मीटर्स में, ठीक है? Okay. तो क्योंकि if you can see they are talking about mole, the energy is per mole. देख सकते हो आप, ठीक है? You can see in the numerical the kinetic energy is given to you. It is regarding per mole of the atom, ठीक है? तो हम भी यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी निकालेंगे वो 1 mole of photon के लिए निकालेंगे. ठीक है, तो 1 mole के लिए क्या करेंगे, हमारी जो भी वैल्यू आई है उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 3.99 इनटू 10 रे टू पावर 5 जूल पर मोल. ठीक है, ये हमें यहां से पता चला है, हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, बिकॉज दैट इज गिवन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट पर मोल. ओके, अब हमने एच न्यू नॉट निकालना है. H nu naught, ये जो हमने एनर्जी निकाली है 3.99 into 10 raise to power 5 में से माइनस कर देंगे दिस वैल्यू 1.68 into 10 raise to power 5. ठीक है, तो यहाँ से आपकी मिनिमम एनर्जी डेट इज कमिंग 2.31 into 10 raise to power 5 जूल पर मोल. ठीक है, ये हमने निकाल ली है मिनिमम एनर्जी. दिया, व्हाट वी हैव डन बेटा, यहाँ तक हमने एनर्जी सिंपली निकाल ली ना, but if you can see they are talking about the kinetic energy with the per mole. ठीक है, क्योंकि एनर्जी के अकेले यूनिट्स होते हैं जाउल्स. ठीक है, जाउल किलो जाउल हो गए, बट यहाँ पे वो मोल इनवर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो एनर्जी बताई वो आपको पर मोल के अकॉर्डिंग बताई है. तो हम भी यहाँ पर जो एनर्जी निकालेंगे द मिनिमम एनर्जी डेट विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द 1 mole ऑफ फोटोन. ठीक है, तो 1 mole ऑफ फोटोन के लिए मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है. ओके, 6.022 वाली. ओके, तो फिर यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 3.99 × 10⁵. अब एच न्यू नॉट निकाल देना है, इसमें से जो आपको गिवन काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस कर देनी है. ठीक है जी. ओके, द सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, जहां पर आपने मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है. तो एच सी बाई ई कर देना है हमने सिंपली. ठीक है, we will be simply doing H C by E. Okay, चलिए.